नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का हमारे खास प्लेटफॉर्म एस्ट्रो तक पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। एस्ट्रो तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके जीवन को सरल, सुखम, सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हुए और आगे भी ये जारी रहेगा। अब सबसे काम और पते की बात वो ये कि एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पर जाकर हमारा पेज लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक है जो पेज करें, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। यूट्यूब पर जाएं, बेल आइकन दबाएं, अपनों को भी लाइक करवाएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी जीवन कुछ हद तक पॉजिटिव हो सके, सकारात्मक हो सके। चलिए आज एक विशेष और खास टॉपिक, कैसे शिवशंकर भोलेनाथ बनाएंगे आपके जीवन में भोग विलासिता का संसार, कैसे मिलेगा, कैसे भगवान भोलेनाथ शिवशंकर आपको देंगे भोग विलासिता का संसार, आइए जानते हैं। सोमवार का दिन है, तारीख है 29 अक्टूबर 2018 और इस दिन कार्तिक कृष्ण पंचमी जो पंचम तिथि है, कार्तिक कृष्ण पंचम तिथि और साथ में राहु का नक्षत्र है आर्द्रा और इस योग से, पंचमी के और आर्द्रा नक्षत्र के योग से शिव योग बन रहा है। बहुत खास, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष में शिव योग का बनना अपने आप में बहुत खास है। चंद्रदेव और राहु को, हम दोनों को, सोमवार का दिन है और राहु का नक्षत्र है, तो यानी कि चंद्रदेव और राहु को हम परम भक्त मानते हैं, भोलेनाथ का परम शिव भक्त हैं, ये परम शिव तत्व के वासी हैं। कृष्ण पंचमी में शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को शिव का वास जो होता है वृष पर होता है, यानी कि नंदीश्वर बैल पर होता है, जिससे पंचमी सुखकारक और श्री प्राप्तिकारक, श्री यानी लक्ष्मी कारक कही जाती है और सुख देने वाली हो जाती है, अतः इसमें शिवार्चन परम शुभ माना जाता है। साथ ब साथ इस दिन शिव पूजन आपको अत्याधिक महत्व देता है। ऐसे योगा योग में महादेव के कामेश्वर अवतार, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, यह नक्षत्र भोग विलासिता से जुड़ा है, आर्द्रा नक्षत्र, इसलिए इस दिन, इस योग में, पंचमी के योग में महादेव के कामेश्वर स्वरूप का पूजन जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहता है। क्या था कामेश्वर पूजन, क्या था कामेश्वर का पौराणिक संदर्भ बताता हूं आपको। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि कामदेव को पुष्प धनुष और 5 बाण ब्रह्मा जी ने दिए थे और उन्हें कहा था कि संसार में काम की रचना कीजिए और सृष्टि का जन्म कीजिए। अब उन्होंने, महादेव तपस्या में लीन थे, तो कामदेव ने दुस्साहस कर दिया और कामदेव ने उन पर पुष्प बाण चला दिया जो सीधा भगवान शंकर के हृदय में लगा। महादेव ने उसी क्षण कामदेव को अपनी तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया और समाधिस्थ महादेव के तीसरे नेत्र से कामदेव के भस्म होने के कारण काम विलुप्त हो गए। अरती ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और कामदेव ने फिर से जन्म लिया और यही जो वर्णन है ये वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित है। और सोमवार कार्तिक पंचमी पर कामेश्वर, भगवान कामेश्वर के पूजन व्रत और उपाय से भोग विलासिता में वृद्धि होती है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी होती है, जिन लोगों के जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं मैरिड लाइफ को लेके वो भी दूर होती हैं। आइए जानते हैं स्पेशल किस प्रकार से आप पूजा करें। किसी भी शिवालय चले जाएं और शिवालय जाकर शिवलिंग का पंचोपचार पूजन करें। इस दिन क्योंकि सोमवार है इसलिए गाय के घी का और आर्द्रा नक्षत्र इसलिए सरसों के तेल का 2 दीपक जरूर जलाएं, चंदन और लोहबान से धूप करें और दूध में शक्कर और तिल मिलाकर अभिषेक करें, काले तिल, सफ़ेद और नीले फूल चढ़ाएं, अबीर गुलाल, सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं और 1 माला इस विशेष मंत्र का जाप करें और पूजा के बाद भोग पीपल के नीचे रख दीजिए। स्पेशल मंत्र है क्लीम कामेश्वराय नमः शिवाय क्लीम। और अगर आप इस पूजन को सुबह करना चाहते हैं तो सुबह का पूजन मुहूर्त है 9:20 से लेकर 10:20 तक
और अगर आप इस पूजन को शाम को करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है शाम को 5:35 से लेकर 6:35 तक, ये प्रदोष काल भी है। और अब आज का सुपर टोटका, भोग विलासिता में वृद्धि के लिए शिवलिंग पर चढ़ी शक्कर किसी सुहागन को भेंट कीजिए। और सच मानिए, जिस प्रकार से शक्कर मिठास घोलती है, आपके मैरिड लाइफ में मिठास घुलेगी, आपके भोग विलासिताओं में वृद्धि होगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी बनेगी, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। अब एक सुपर उपाय आपके लिए जो आपके लव लाइफ में भी सक्सेस लाएगा और मैरिड लाइफ में भी सक्सेस लाएगा और पारिवारिक खुशहाली भी देगा, तीन आपके लिए सुपर उपाय। घर के पारिवारिक खुशहाली के लिए घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घी का दीपक जलाएं आज और वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें शाम के समय। लव लाइफ में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक आपको मंत्र बता रहा हूं, क्लीम आनंद तांडवाय, क्लीम आनंद तांडवाय नमः शिवाय क्लीम, इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र का जाप अगर हो सके आपसे तो 6 मुखी रुद्राक्ष की माला से करें या 1 6 मुखी रुद्राक्ष का दाना अपने हाथ में ले लें और फिर इससे जाप करें। मैरिड लाइफ में आप सक्सेस के लिए दंपत्ति यानी हस्बैंड एंड वाइफ शिवालय में दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें और फिर देखिए कैसा आनंद आपको अपने दाम्पत्य जीवन में प्राप्त होगा। मित्रों आज के लिए बस इतना ही है, कल एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मित्र अपने सखा कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, नमस्कार।